कर रहा हूं वो आने वाले कल को बनाने वाला है या बिगाड़ने वाला, जीवन को ऊंचा उठाने वाला है या नीचे गिराने वाला। बार बार सोचना, करने के पहले 100 बार सोचना मैं क्या कर रहा हूं, उसके माध्यम से मेरा भला होना है कि बुरा होना है। इतना एक बार अपनी आत्मा से पूछोगे तो आत्मा आपको जवाब दे देगी, ये तेरे लिए ठीक है और ये तेरे लिए ठीक नहीं है। पूछना लेकिन करने के पहले, ये क्या ठीक है, तो वो अपने आप कह देगी, अंतरात्मा कह देगी नहीं ये ठीक नहीं। हर एक के पास वो अंतरात्मा, बिना अंतरात्मा के हम कोई भी नहीं है। जीव आत्मा के पास वो अंतरात्मा, उस मन को एक तरफ रखना, उस अंतरात्मा से पूछना, उस अंतरात्मा को कहना क्या करना है। अंतरात्मा से पूछोगे तो सच्चा रास्ता मिल जाएगा किसी भी काम को करने के लिए। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत काम का ये भी, कि हमारा धन, हमारा पैसा, हमारी संपदा दुआओं के साथ हो, दुख या दर्द के साथ ना हो, दुख या दर्द के साथ ना हो। धन से खुशी नहीं मिलती, ध्यान रखना, दुआओं से खुशी मिलती है। हमारा धन बददुआओं के साथ ना हो, मेरा पैसा किसी की बददुआओं के साथ ना हो, किसी को पीड़ा दे के नहीं मेरे पास पैसा चाहिए। ऐसा पैसा कभी भी आपको ध्यान रखना सुख की प्राप्ति ना कराए करता है और ना कराने वाला है। तो निश्चित ये मान के चलना, जो लक्ष्मी मेरे पास आ रही है वो किसी की बददुआओं को लेकर नहीं आना, दुआओं के साथ आना चाहिए। अब आप विचार करना कि मेरा धन कहीं ऐसा धन तो नहीं आ रहा है जिससे मेरे माध्यम से वो पीड़ा, वो बददुआ के माध्यम से आ रहा है। और पांचवा और अंतिम, और वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत काम का है, आपको वो भी अपने जीवन में उतारना ही उतारना है। उतारना क्या है, उसको अपने जीवन में लेके ही आना है। हमेशा आप ये मान के चलना, शांत मन से, अगर हमारा मन शांत होगा और भोजन लेते वक्त, आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, भोजन लेते वक्त हम क्या करें, हम भोजन स्थिरता से, पवित्रता से और पूरी एनर्जी से करें। ये जो भोजन है ये औषध का है, ये जो कर रहे हैं ये हमारे काम आएगा। जिस वक्त भोजन करो नौटा वालो, उस वक्त मोबाइल को नहीं देखना, कम से कम भोजन के समय मोबाइल को ऑफ कर देना। जितनी देर में भोजन कर रहा हूं उतनी देर शुद्ध वरगणाओं के साथ, सात्विक वरगणाओं के साथ आप भोजन करोगे तो भोजन आपके शरीर को लगेगा, नहीं तो नहीं लगने वाला है, ये निश्चित मान के चलना। ये पांच बातें आपको मैंने बता दी होगी, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। प्रतिदिन सुबह मोबाइल नहीं चलाना है, सुबह की पावर परमात्मा के लिए और सबके भले के लिए कर सकते हो। और इसी में एक चीज और अगर ऐड कर लो, और रात को सोते समय भी 2-3-4 मिनट का 5 मिनट का मेडिटेशन करके सुबह से लेकर शाम तक, मैंने क्या गलत किया है, किसी का गलत कर दिया है तो वो गलत किया है तो उससे मेरे जीवन में क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसको भी आप चिंतन कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी और आपका जीवन निश्चित तौर से बहुत उत्कृष्ट बन जाएगा। तो प्रतिदिन सुबह मेडिटेशन, रात को मेडिटेशन, सुबह सबका भला हो और शाम को मैंने कुछ गलत किया उसका चिंतन। दूसरा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं और मैं सुखी आत्मा हूं। जब जब समय मिले तब तब आपको इस मंत्र को करना है। तीसरा, अपने कर्मों पर हमेशा चिंतन करना कि मैं जो कर रहा हूं वो आने वाले जीवन को बनाने वाला है कि बिगाड़ने वाला। चौथा, हमारा धन दुआओं के साथ हो, दुख दर्द पीड़ा के साथ नहीं हो, क्योंकि धन खुशी नहीं देती है, दुआएं खुशी देती है। और पांचवा, जब भोजन करो, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको इसलिए मैंने ऐड किया अपने पांचवें नंबर के बिंदु में। आज की सबकी एक ये प्रॉब्लम है, जब भोजन करने आते हैं तभी मोबाइल चलता, नहीं बिल्कुल नहीं, भोजन शुद्ध सात्विक भावों के साथ आप करोगे तो निश्चित तौर से आपका भला होता चला जाएगा। इन पांच बिंदुओं को हर जगह जाकर देता हूं, यहां भी इन पांच बिंदुओं को दा, और संबंधों को सुधारने के लिए भी मैंने पांच बातें बोली है ताकि आपके संबंध अच्छे बने। क्योंकि एक दो जगह से खबर आई थी कि संबंधों में दरार है, संबंधों में विवाद है। मैं नहीं चाहता कि संबंधों में विवाद हो, दरार हो और सब कुछ समाप्त हो जाए। और ध्यान रखना, आप तो एक अगर जीवन में खुश रहना है तो एक जुनून बना लो, गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है। क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है, उसको बार बार गुनगुनाओ, गीत के रूप में गाओ, बार बार बोलो, बार बार सोचो, गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है, गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं, क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं, चिड़चिड़ करना मेरा स्वभाव नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। जब आप ऐसा नहीं सोचोगे तो निश्चित बन जाओगे। अगर कोई कष्ट है, तनाव है, पीड़ा है तो एक उसको भूलना,
कि हम वो तनाव पीड़ा कष्ट को भूल जाए। और दूसरा तरीका क्या है मालूम है, टीवी देख लेना, सर दर्द हो रहा है तो टीवी देख लिए, या फिर मूवीज देख ली, या फिर और कहीं घूमने चले गए, ध्यान रखना वो जो आप घूमने भी गए हो या आपने उस चीज को रखकर आप मूवीज देख रहे हो वो निकाल देना, वो कर देना, ये सब कुछ उसका तरीका नहीं है। सबसे अच्छा तरीका तो ये है, उसको साफ कर दो, उसको भूल जाओ। उसको भूल जाओगे तभी होगा, तो बार बार कब तक टीवी की शरण में जाओगे, कब तक मूवीज की शरण में जाओगे, कब तक घूमने जाओगे, कब तक सीरियल देखोगे अपने मूड को अच्छा करने के लिए। सबसे अच्छा है उसको बाहर कर दोगे, तो बाहर कर दोगे तो अपने आप में आपके अंदर वो गुण आ जाएगा। हमें भूलना है, जो हो गया है उसे हटाना है, जो हो गया है उसे डिलीट करना है, जो हो गया है उसे छोड़ना है, तभी हमारा जीवन अच्छा बन सकता, तभी हमारा जीवन अपने आप में उत्कृष्टता की ओर आ सकता। और मैं चाहता हूं कि नौटा वालों का जीवन अच्छा और महान और उत्कृष्ट बने, तभी ये मान के चलना अच्छा बन जाएगा। ये पांच और पांच दस बातें आपको बता दिए, आज के प्रवचन का सार हमने आपको बता दिया। दूसरों की कमजोरियों पर डिस्कस नहीं करना, दूसरा जब भी बात हो जाए उसे निकालना और तुरंत बात करना, कुछ हो जाए तो कम से कम एक जना स्थिर रह जाए, और कुछ हो जाए तो समाप्त करने के तरीके सोचना, और कुछ हो जाए तो किसी को बताना नहीं, और बताना भी है तो देव शास्त्र गुरु की शरण, भगवान से कर लेना बात, वो भगवान तरीका दे देंगे। माँ जिनवाणी को उठा के देख लेना, वो तरीका दे देंगे। ये और तीसरा, अगर चलती फिरते आना है तो गुरु के चरणों में आ जाना, गुरु आपको रास्ता दिखा देंगे। और पांच ये बातें प्रतिदिन सुबह, मोबाइल नहीं, भगवान और आत्मा का ध्यान, और मैं शक्तिशाली, मैं शांत, मैं पवित्र, मैं सुखी आत्मा हूं, जब समय मिले अपने कर्मों पर हमेशा चिंतन करना, मैं जो कर रहा हूं वो आने वाले जीवन को बनाने वाला है, और हमारा धन दुआओं के साथ हो, दुख या दर्द के साथ ना हो। और फिर उसके बाद ध्यान रखना भोजन के समय, इतनी ही बात रखता हूं क्योंकि उतना समय भी हो रहा है और अभी आधा पौन घंटा और अपने कम से कम विधान में लगेगा ही लगेगा। आचार्य श्री का रोज संस्मरण छूट रहा है, लेकिन अब समय हो रहा है इसलिए आचार्य भगवान का संस्मरण प्रतिदिन छूट रहा है, बहुत सारे लोग उसी के लिए रहते होंगे। अब एक और बात करनी है, अभी वो बात भी अभी पहले बोधि समाधि कर लेते हैं, या विधान करने के बाद कर लेंगे, जो मुख्यता से बात एक करनी थी वो करनी ही है। दो बातें भी फिर भी मैं बोल देता हूं कि आपके मंदिर का पूरा नक्शा बनकर आ गया है और बहुत अच्छा स्वरूप बड़े बाबा का तैयार हुआ है, ऐसा स्वरूप तैयार हुआ है कि आप भी कहोगे महाराज जी क्या चीज बनी है। बहुत मंथन के बाद, बहुत सोच समझने के बाद बहुत अच्छा विशाल स्वरूप बन रहा है। उसी जिनालय में संत भवन, उसी जिनालय में मेडिटेशन, और उसी जिनालय में 72 प्रतिमाएं, और उसी जिनालय में ऊपर जाकर चतुर्मुखी प्रतिमाओं की ड्राइंग हो रही है। ठंडी गर्मी सर्दी सब में साधु संत वहां रहकर अपना धर्म ध्यान कर सकते हैं। ऐसे नीचे कक्ष निकल रहे हैं, उन कक्षों के बाद लेआउट कभी 10 मिनट बाद, आधा घंटे बाद अपने विधान के बाद लेआउट डलेगा। लेआउट डलने के बाद आज से नींव प्रारंभ हो जाएगी, और कल से ही, आज से ही वो भरना प्रारंभ हो जाएगा, आप निश्चित मानना। अब रही बात ये कि 72 जिनालय एक जिनालय, अब तीन जैसे बड़े बाबा हैं और ऐसे तीन बड़े बाबा और चाहिए हमें। अब जिसकी भावना हो, जिसकी श्रद्धा हो, जिसकी इच्छा हो, कमेटी जो राशि निर्धारित करे उस राशि निर्धारित करके तीन मुख्य जिनालय हमें और तैयार करना है। निर्माण कमेटी भी यह बनाएंगे, इसका जितना फंड आएगा वो फंड पूरा जो है इसी मंदिर के काम में आएगा, और कहीं इसका उपयोग एक रुपए का भी यहाँ वहां के काम में उपयोग नहीं होगा, है ना। और ये जो निर्माण कमेटी रहेगी उसमें एक संयोजक बना दिया जाएगा, इस जो ये क्षेत्र की कमेटी है उस क्षेत्र की कमेटी का पूरा उस पर अधिकार रहेगा, वो पूरा जो है यहाँ से उसको भी ऑब्जर्व करेगी। निर्माण आपको कराना है, बाकी इनके निर्देशन और उसे उसको बताना है। आपके लिए सिर्फ निर्माण कमेटी, आपको निर्माण में पूरा सहयोग करना है, कब कैसे कहाँ से किस प्रकार से लाना है, इस प्रकार से पूरा करना है। और साथ में पैसा तो अब अलग तो कोई अकाउंट खुलेगा नहीं, पैसा संस्था के अकाउंट में आएगा, संस्था का जो भी कोषाध्यक्ष है उससे आप पैसा लिखना, पर हिसाब आपका एक व्यक्ति रखेगा। जो अब नई निर्माण कमेटी बनेगी उसमें युवा लोग भी रहेंगे, बड़े लोग भी रहेंगे, सभी रहेंगे, वो अपना हिसाब पूरा कंप्लीट रखेंगे। और दूसरी और मुख्य बात, ये और बात बाद में करूंगा, बोधि समाधि परिणाम सिद्धि शांत उपलब्धि शीर्षक के श्री चिंतामणि चिंतित वोदाने तम वंदमानस्य ममास्तु देव। सुसंस्कारित करने वाली होती है मोक्ष मार्ग की, मोक्ष मार्ग की संगति। लई अर्थात जोड़ने वाली होती है मोक्ष मार्गी की संगति।
तारने वाली होती है मोक्ष मार्ग की संगति, और आपको संगति निश्चित मिली है, अभी तक भी मिलता ही है और वो आगे भी मिलने ही वाली है। दो दो माताजियों की संगति आपको मिलने वाली है, सुसंस्कारित करने वाली होती है आपसे। मैंने बोला संस्कार सच में जिनको हम मानते हैं, जानते हैं, देखते हैं और जिनके विषय में हम रात दिन सोचते हैं, उनके आचरण का हमारे जीवन में निश्चित रूप से संचरण होता है, ये मान के चलना। चाहे माता पिता हो, चाहे घर के कोई बड़े सदस्य हो, हम जिनको देखते हैं वैसा बनते हैं, उनके संस्कार हमारे अंदर पड़ते हैं। तब संस्कारों को और अच्छा बनाने के लिए आपके बीच में ये माता जी आई हैं। संस्कार अजर और अमर होते हैं, चाहे बुरे हों चाहे अच्छे हों। जब आपको निष्प्रही ऐसे मोक्ष मार्गी की सन्निधि वाला सानिध्य और सामीप्य मिला है, तो यही बात है अभी छुल्लक जी जी ने बोला कि उसको छोड़ना नहीं और जुड़ते चले जाना। ध्यान रखना, संस्कार तो जानवर भी पढ़ते हैं, पर वो देखकर, वो क्या है, वो देखकर जैसी प्रणति वैसा ही करता है। निश्चित ये मान के चलना, वो अपने जीवन को भी धन्य बनाता है। वो जटायु का जीवन देख लेना, वो सियार का जीवन देख लेना, क्या है, आप होशियार हो और वो सियार है। और रात में पता है गुरुदेव की वो बहुत प्रसिद्ध कहानी है, क्या वो कहानी क्या है कि रात्रि जल का त्याग था, तो वो ऊपर जाता था, नीचे आता था, अंधेरा हो जाता था, वो कहता अंधेरा हो गया, ऊपर जाता था, दिन था, फिर आता था, इसी में उसका मरण हो जाता है। लेकिन उसने सीखा था, संस्कार पड़े थे, उस त्रियंश का भी कल्याण हो गया जो वैया वृत्ति में अग्रणीय होते हैं आगे। वो त्रियंश आपको भी कहानी आपने सुनी होगी रत्नकरण सावक आचार्य में, क्या संस्कार पड़े थे उसके, और जैसे कि उसके कि शेर से युद्ध किया था उन्होंने, और शेर से युद्ध करने के बाद कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो संस्कार शब्द ही बता रहा है, जीवन को नया बनाना है और अच्छा बनाना है, महान बनाना है, उत्कृष्टता की ओर जीवन को पहुंचाना है और संस्कारित करना है। तो ये जो दोनों माताजी आपके बीच में हैं, इनसे आपको जुड़ना होगा, तभी आप आगे और उत्कृष्ट बन पाओगे। जब 8 वर्ष के पश्चात संस्कार होते हैं, तो संस्कार पूरे जीवन को महान बनाते हैं। अब आपके पास ये संस्कार को प्राप्त करने के लिए माताजी आपके करीब है, और आपको उन माताजियों से जुड़कर अपने जीवन को बदलना है और बहुत अच्छा बनाना। देखो स्वस्थमती जी पहली बार चतुर्मास करने ही, पर देखो माताजी का प्रभाव, देखो कितनी कितनी बड़ी बड़ी बोलियां माताजी के प्रभाव से चले गई। कोई छोटी मोटी बात है ऐसी बोलियां, तो ये चमत्कार है माताजी का, ऐसा नहीं है। साधक माताजी हैं, इतने साल की उनकी वो साधना है, उस साधना के परिपूर्णता में ये सब कुछ आपको देखने को मिला है। निश्चित ये मान के चलना, लई अर्थात मिलाने वाली अर्थात जोड़ने वाली होती है मोक्ष मार्ग की संगति। जब मोक्ष मार्गी, हमेशा ध्यान रखना, जोड़ने वाले, मिलाने वाले, और धर्म से भी मिलाते हैं और पूरे संसार से मिलाते हैं, प्रेम और वात्सल्य से जोड़ने वाले होते हैं मोक्ष मार्गी। और इन मोक्ष मार्गी के जुड़ने के बाद भी हृदय के अंदर की गांठ हटी और सटी हुई है, हटी नहीं, तो समझना अभी आपने संगति का कोई असर नहीं पड़ा। तो ध्यान रखना, ये संगति मिली है, हमने जितना आपको दिया वो तो ठीक है, उसको पचाना, लेकिन थोड़ा बहुत भी जिनके मन में गठान है, ये 4 महीने में इनसे जुड़ना और पूरी गठान को निकाल देना, क्योंकि मोक्ष मार्गी मिले हैं, उनका पूरा पूरा लाभ आपको लेना है। उनके ओरे में रहने का प्रयास करना, उनको आहार दान देना, उनकी वैयावृत्ति करना, उनके वचनामृत का जितना पान करोगे ये जीवन धन्य बन जाएगा। बहुत पुण्य से आपको ये मिला है, क्योंकि मोक्ष मार्गी और वीतरागी गुरु का मिलना मतलब बहुत पुण्य का जोर चलता है, तभी मिलता है। ये मणिकांचन योग है जो आपको इस सन्निधि मिलते चले जा रही है। पूर्व भवों का बहुत गाढ़ा आपने पुण्य किया होगा तभी है, और ये गुरु की आपको मिली है सन्निधि संगति, तो आप मिलते चले जाना। और क्या हो, तारने वाली होती है क्या, मोक्ष मार्गी संगति। निश्चित जब भी कोई संसार से तिरा है, तिर कर गए, और संसार तानने वाले कौन हैं, तो वो यही हैं जो इन मोक्ष मार्गी की नाव में बैठेगा, उन्हीं का कल्याण निश्चित रूप से होता चला जाएगा। ये मोक्ष मार्गी ही हमारे जीवन की पतंग को उड़ाने वाले हैं और डोर को पकड़ने वाले हैं, ऊंचाइयों को दिलाने वाले और सर्व उपलब्धि को दिला वाले ये हैं। और ये आपको बहुत पुण्य योग से मिले हैं, जिसने अपनी उंगली इन मोक्ष मार्गी के हाथ में थमा दी, वही संसार का, अरे भैया डिस्टर्ब नहीं करो,
वो इस संसार का सबसे महान व्यक्तित्व है, ये मान के चलना। और अगली बात हमने बोली थी कि नकारात्मकता को निकालने वाली होती है क्या, साधु की संगति। सबसे ज्यादा आज का ये इंसान नकारात्मक विचारों से बहुत जल्दी अपने जीवन को प्रभावित और पीड़ित करके अपने जीवन को मूल्यहीन और डिप्रेशन से युक्त बना रहा है। पर ध्यान रखना, मोक्ष मार्गी ही है जो नकारात्मकता को निकालकर सकारात्मकता में ले जाने की हैसियत रखते हैं। और पर अंदर की सच्ची आस्था हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, वो भी पक्की हो, तो निश्चित तौर से आपके सब कष्ट क्लेश सब हर लेंगे। कल प्रश्न आया था, समय कम था, आज भी नहीं बता रहा हूँ, माता जी आपके बीच में, महाराज जी हम टेंशन में रहते कैसे टेंशन दूर करें, टेंशन दूर करने के लिए तो माता जी आपके बीच में आ गई। मोहित बोले, कहाँ गया मोहित, बोले भैया कुछ ऐसा टेंशन हल करने का तरीका बताओ, कोई ध्यान मेडिटेशन बताओ। माता जी हैं, 4 महीने सब आपकी विकल्प संकल्प विकल्प को दूर कर देगी। आखिर क्या है मोक्ष मार्ग में जो जीवन की राह बदलकर सच्ची राह को सामर्थ्य में रखने, क्या इनके अंदर है? इसका उत्तर एक ही है। अगर मैं उत्तर दूं, ये मोक्ष मार्गी ऐसे क्या हैं जो आपकी सब नकारात्मकता को निकाल देंगे, क्योंकि मोक्ष मार्गी निष्प्रही होते हैं। सच्ची करुणा और दया उनके जीवक में महकती है, उसकी सुगंध से वो नकारात्मकता के दूरन निकलते चले जाएगी, ये निश्चित मान के चलना। दूसरी बात, वे मोक्ष मार्गी अरहनिश गुरु भक्ति में लगे रहते हैं, तो उनका ये ओरा ही इतना प्रभावकारी होता है कि इस ओरे से पाप का जोर खत्म हो जाता है और पुण्य का जोर बढ़ जाता है, ये निश्चित मान के चलना। और तो और हम कहेंगे, वो क्या करते हैं, दिन में 3 बार जीव मात्र से क्षमा मांगते, और जो क्षमा मांगता है, जो क्षमा से जीवन को चमकाता है, उसकी चमक और प्रकाश के सामने नकारात्मकता रूपी अंधकार का उजाला दूर होकर प्रकाश में वो बदल जाता है, ये निश्चित मानना। ये मोक्ष मार्गी के उत्कृष्ट, क्योंकि चौथी बात भी, वो मोक्ष मार्गी उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य को पालते हैं, उस पालने के कारण पूरे ब्रह्मांड की पूरी पर ब्रह्मांड की पावरफुल ऊर्जा का केंद्र होने के कारण वो सब नकारात्मकता वो है सकारात्मकता की ऊर्जा में बदलने के वह पावरफुल केंद्र होता है, तो वो होता है मोक्ष मार्गी। इसलिए मोक्ष मार्गी आपको मिले हैं, आपको छोड़ना नहीं है, पूरा पूरा उनका लाभ आपको अपने जीवन में उठाते जाना है। और पूज्यता दिलाने वाली होती है मोक्ष मार्ग की संगति। जब आप मोक्ष मार्गी गुरु से जुड़ जाते हैं, तो अपने आप ही आपकी इज्जत समाज में भी और अपनों के बीच में निश्चित तौर से बढ़ जाती है। इतने लोगों ने आज कलश लिए, इतनी बड़ी बड़ी राशि घोषित की, क्या आप क्या बताओ अब उनकी इज्जत बढ़ेगी कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, माता जी का वह चातुर्मासिक कलश स्थापना उनने अपनी खुद की कैपेसिटी से, और काय के लिए, नोटा की वो बात जो नोटा की मैंने परिभाषा करी है, क्या करी थी, नो में क्या बोला था, नोट की वोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है, और हमें हंसी की चोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है, और टाने टालने की खोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है। आज किसी ने भी मेरी बात नहीं टाली, जिसको जो बोला वो करता चला गया। जी महाराज जी, जी जिसको बुलाया किसी ने ना नहीं बोला, किसी ने मेरी बात नहीं टाली, नहीं टाली तो आज इतना अच्छा आपका ये कार्य हो गया। और मेरा कार्य तो है नहीं है, ये किसका कार्य है, बड़े बाबा का। ये मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ, बड़े बाबा के लिए, तो बड़े बाबा को हम छाया में लाना चाहते हैं। अभी बड़े बाबा धूप में बैठे हैं, निश्चित तौर से वो छाया में आप लोगों के इन भावों के कारण से आएंगे ही आएंगे। तो पूज्यता को दिलाने वाली होती है ये जो मोक्ष मार्ग की सन्निधि। पूज्य आत्माओं के संपर्क में रहने वाली आत्मा को देखने वाला सामान्य जनमानस यही मानता है कि जो मोक्ष मार्गी से जुड़ा है, मतलब उसके जीवन में साफ सुथरा और पवित्र ही होगा, ये निश्चित मान है। आप जुड़ेंगे तो आपकी छवि अच्छी बनेगी, क्यों, जो माता जी से जुड़ा है, जो महाराज जी से जुड़ा है, कुछ तो उसके अंदर धर्म होगा ही होगा, ये निश्चित माना। अगर आप चाहते हैं धर्मात्मा बनना तो माता जी से आपको जुड़ना ही है। जब किसी के घर से कोई त्यागी व्यक्ति निकलता है, तो जो त्याग की महिमा से पूरा परिवार पूछता है, आदर से उसको देखा जाता है कि ये परिवार का है, देखो सरस्वती जी के परिवार वाले आज आए हैं सागर से, तो आप कितने सम्मान से बुला रहे हो, क्या कारण है बुलाने का, कि वो त्यागी से जुड़े हैं।
इसलिए उन्हें बार बार आप सम्मान से बुला रहे हो कि भैया बुलाओ क्यों। तो आप ध्यान रखना, जब वो जुड़े हैं परिवार के थे उन्हें छोड़ दिया, लेकिन आप माता जी से जुड़ोगे तो आपके अंदर भी वो पूज्यता आ जाएगी। आज हम हमारी पूजा हो रही है, हमारा नाम हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम गुरु की सील लगी, आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की ठप्पे से सील लगी है। बड़ी हम बिल्कुल बाकी किसी में नहीं, लेकिन इसमें अभिमान से बोलते हैं कि हम आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य हैं। इस कलिकाल के तीर्थंकर के हम शिष्य हैं, उनसे दीक्षित हैं, वो हमारे गुरु हैं। तो ये अभिमान का विषय, उनसे जुड़े तो आज हम पूज रहे हैं, आप उनसे जुड़ोगे तो आप भी पूजोगे, ये निश्चित ये मान के चलना। क्योंकि जो गुरु से जुड़ता है वो निश्चित तौर से पूजाता है। आप भी अपने जीवन को पूज्यता से जोड़ने के लिए उत्सुक हो तो जीवन में इन गुरु की, इन मोक्ष मार्ग की मर्दानी छाओं में आकर बैठो, उनसे जुड़ो, उनके विचारों को और उनके आचरण से अपने जीवन को ऊँचा बनाने का प्रयास करो, ये ध्यान रखना। और मोक्ष मार्गी ये मत मानना कि क्या मुनिराज ही होते, मोक्ष मार्गी तो एक बात ध्यान रखना, हमारे विकास भैया, हमारे संजू भैया, हमारे ऋषभ भैया, ये जितने ब्रह्मचारी लोग जो बैठे हैं ये भी मोक्ष मार्गी, इनसे भी जुड़ोगे तो निश्चित मान के चलना आपका कल्याण होता चला जाएगा। हमारे छुल्लक जी से भी जुड़ोगे तो कल्याण होगा, माता जी से भी जुड़ोगे तो निश्चित, क्योंकि मोक्ष मार्गी से जो जुड़ता है उसका कल्याण होता है। तो आप सबसे जुड़ते चलना, ये मत मानना माता जी का ही चतुर्मेलास मेला, महाराज जी तो जा रहे हैं, अरे ये महाराज जी की छवि ही तो है, ये आचार्य श्री जी की छवि तो है, आचार्य श्री जी तो इनको दीक्षा दी है, तो वो ये मान के चलना है ये तो आचार्य श्री की कृति और आचार्य श्री का स्वरूप ही यहाँ पर बैठा है। और रक्षा करने वाली होती है मोक्ष मार्गी की सन्निधि। बहुत बार मेरे जीवन में, तो बहुत बार मैंने पाया है कि गुरु की परिधि में से और उनकी सन्निधि में अनेक भव्य आत्माओं की रक्षा हुई है और होती है और होगी, क्योंकि उन्होंने देव शास्त्र गुरु को माना है, स्वीकार किया है। तो निश्चित 4 महीने के लिए तो रक्षा कवच आपके लिए बन गया, आपका बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता है, ये निश्चित मान के चलना। प्रतिभा स्थल की सैकड़ों बहने और इतने सारे मुनि, इतने सारे ब्रह्मचारी, इतनी सारी आरिकाएं, सबकी रक्षा और संरक्षण पूज्य गुरुदेव ने किया था और उनका वो सानिध्य मिला और गुरु चरणों से जुड़कर बहुत से लोगों ने अपनी रक्षा करी। और वो आपको, आपकी रक्षा करने के लिए ये गुरुदेव, ये गुरु की सन्निधि, ये मोक्ष मार्ग की सन्निधि आपको आपके पुण्य से मिली है। तो इन 5 बातों को ध्यान रखना कि सुसंस्कारित करने वाली होती है मोक्ष मार्गी की सन्निधि, लई अर्थात मिलाने और जोड़ने वाली होती है मोक्ष मार्गी की सन्निधि, और तारने वाली होती है मोक्ष मार्गी की सन्निधि, नकारात्मकता निकालने वाली होती है मोक्ष मार्गी की सन्निधि, पूज्यता दिलाने वाली होती है मोक्ष मार्गी की सन्निधि, रक्षा को करने वाली होती है मोक्ष मार्गी की सन्निधि। निश्चित मान के चलें, सन्निधि अलग होती है। और एक और बात बोल रहा हूँ आप लोगों से कि संबंधों के विषय में चली थी बात, कल घर परिवार के संबंध की बात करी थी, आज दूसरे संबंध की आप लोगों से बात करता हूँ। कुछ संबंध, 3 प्रकार के संबंध आपके बीच में रख रहा हूँ। एक होता है आवश्यक संबंध, घर में नौकर आवश्यक है जरूरी है, ऑफिस में मैनेजर आवश्यक है जरूरी है, व्यापार में ग्राहक आवश्यक है जरूरी है, बीमारी में डॉक्टर आवश्यक है जरूरी है, मेज में एम्पायर आवश्यक है जरूरी है। ये जीवन के जो संबंध है आवश्यक संबंध है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन कितना, जब तक डॉक्टर और एक पेशेंट, पेशेंट ठीक हो जाता है तो आवश्यक संबंध आप क्या कर देते हो, कोई मतलब नहीं। दुकानदार से कुछ खरीदा लिया, कोई मतलब नहीं। ये आवश्यक संबंध हैं, पर आवश्यकता पड़ने के बाद क्या हो जाता है बताओ ना, पूर्ण विराम लग जाता है। एक आकर्षक संबंध होते हैं, मित्र का व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है तो वो आकर्षक संबंध, पत्नी का रूप आकर्षक है तो फिर भी उससे बहुत, जब तक आकर्षण जब तक संबंध रहता ही रहता है। नेता का व्यक्तित्व, व्यक्तित्व आकर्षक है तो आपको बिल्कुल रहता है, खिलाड़ी का वो कौशल आकर्षक लगता है तो आप जुड़ते चले जाते हैं, अभिनेता का वो अभिनय आवश्यक लगता है तो हो सकता है आप, जब तक अच्छा वो अभिनय तब तक, जहाँ उसकी आवाज़ खत्म, जहाँ उसका चेहरा खत्म, वो हीरोइन का चाहे वो हीरो का, आपका वो आकर्षण खत्म। मतलब आकर्षण में भी क्या होता है, जब तक आकर्षण है तब तक आकर्षित होंगे, जैसे ही आकर्षण खत्म हुआ समाप्त। पहला संबंध आवश्यक, दूसरा संबंध आकर्षक। अब तीसरे संबंध की बात करता हूं, तीसरे संबंध है आत्मीय संबंध, तीसरे संबंध है आत्मीय संबंध। पिता का पुत्र से आत्मीय संबंध होता है, गुरु का और शिष्य का आत्मीय
संबंध होता है, शिष्य का तो होता है कि नहीं होता है, गुरु से आत्मीय संबंध, भगवान का और भक्त का आत्मीय संबंध होता है, अब वो कल्याण मित्र का और एक मित्र का आत्मीय संबंध होता है। तो बंधुओं, मैंने आप लोगों के बीच में आत्मीय संबंध बनाने का प्रयास किया, और जिनके साथ आत्मीय संबंध होते हैं वो कभी जाते नहीं हैं, वो तो हमेशा बने रहते हैं। अब बने कि नहीं बने मैं ही नहीं जानता। नोटा वालों के साथ 20 दिन रहने का अवसर मिला, इस 20 दिन के माध्यम से 20 दिन की संगति तो हो गई होगी, मेरे ख्याल संगति तो हो गई। इस संगति में क्या पता आप लोगों को मैं अच्छा लगा कि नहीं लगा, आत्मीय संबंध आपके और मेरे बने कि नहीं बने मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैंने तो निश्चित रूप से बड़े बाबा से आत्मीय संबंध बना लिए, और बड़े बाबा से बनाना मेरा कर्तव्य। आप लोगों से तो आत्मीय संबंध नहीं बना पाऊंगा मैं तो साधु नहीं कहलाऊंगा, लेकिन आप अगर मेरे से आत्मीय संबंध बनाएंगे तो निश्चित ये मान के चलना आपका तो कल्याण है ही है। अब है, अगर आत्मीय संबंध मिले, आवश्यक संबंध खत्म हो जाते हैं, आकर्षण खत्म हुआ खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मीय संबंध ऐसे होते हैं किसी भी परिस्थिति निर्मित हो जाए, लेकिन आत्मीय संबंध आत्मी होते हैं, उन संबंधों में कभी भी दरार ना आई है और ना कभी आएगी। बता तो दो आपको और हमारा संबंध आत्मी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, कुछ मैंने आपके हृदय में स्थान बनाया नहीं बनाया, थोड़ा बहुत बहुत कि मैं पूछ रहा हूं तो जवाब दे रहे हो, बना लिया, बहुत अच्छी बात है। बस वही आत्मीय संबंध आपके और हमारे बनते रहेंगे, और इस बीच में हमारे माध्यम से या छुल्लक जी के माध्यम से कुछ बोलने करने में, छुल्लक जी तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन मैंने ही आप लोगों से कुछ कार्य कराने के वश में कुछ बोल दिया हो, कुछ कर दिया हो, तो आप सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे माध्यम से कुछ गलती हो गई हो तो आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और उनकी अनुकंपा से सब कुछ चलते आ रहा है, जो भी कुछ है सब उनकी कृपा है और सभी उनका आशीर्वाद है। उनको जब भी याद करता हूँ, जब भी उन्हें स्मरण करता हूँ तो हमेशा अंदर से द्रवित हो जाता हूँ, इसलिए उनको याद नहीं करता हूँ, अंदर से उन्हें हमेशा हर पल हर समय याद करता हूँ। तो अगर कुछ गलती मेरे माध्यम से हो गई हो तो आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। जो कुछ अच्छा मैंने यहाँ किया वो सब गुरुदेव का था, मेरा कुछ नहीं था, उनकी कृपा है। उन्हीं ने मुझसे जब अंतिम जाते वक्त निमावर में कहा था, दुर्लभ चिंता मत करना, तुम जहाँ जाओगे सब अच्छा होगा, प्रभावना भी होगी, और जितनी भी प्रभावना अगर हुई है तो वो उनकी थी, और अगर थोड़ी बहुत भी मुझे माध्यम से अप्रभावना हुई है तो वो मेरी है, वो मेरी गलती है, उसे मेरी गलती समझकर आप लोग मुझे क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। इतनी ही बात रखकर अपनी बात को विराम दूंगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।